मैंने 34 साल पहले ये महसूस किया कि हमारा उत्तर प्रदेश इतना प्यारा प्रदेश है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। इसमें हर तरह के रंग हैं, बुंदेलखंड का रंग, रुहेलखंड का रंग, उस समय पर्वतीय रंग भी था, पूर्व का रंग, पश्चिम का रंग। लेकिन इसको बांटने की अजीत सिंह ने उस समय वो किया था, आंदोलन शुरू किया था बांटने का, तो उसके प्रतिक्रिया में हमने ये किया कि उत्तर प्रदेश की एकता के लिए हम प्रयास करेंगे, और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हमने मनाना शुरू किया। हमें कुछ प्रेरणा मिली कि ये तो हम अपने साधन से कर रहे हैं बड़े सीमित रूप में, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। तो हमने चिट्ठियां लिखनी शुरू की, बहुत सारे इलाहाबाद से भी लिखते रहे, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं देता था, ना कोई मदद करता था। तो जब राज्यपाल होकर राम नाईक आए, तो इनको जब हम इनवाइट करने गए, तो इन्होंने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि तो इतना अच्छा काम है और इसे सरकार को करना चाहिए। तो हमसे चिट्ठियां उन्होंने ली, उसको आगे अग्रसारित किया, मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से कहा, मुख्यमंत्री को राजभवन बुलाया, बहुत उन्होंने प्रयास किया। तो ये वो अखिलेश यादव को भी बहुत छेंकते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे वादा किया, लेकिन आजम खान ने उन्हें ये कह दिया कि अगर आप ये प्रस्ताव मानिएगा तो ये बीजेपी को श्रेय मिल जाएगा, तो वो भिदक गए। फिर उन्होंने वो वचन से हट गए। जब ये मुख्यमंत्री आए योगी जी, तो राम नाईक ने इन्हें भी छेका, इन्होंने मान लिया, तो पिछले साल स्वीकार कर लिया उन्होंने और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस अपने स्तर से मनाया। तो ये तो इसका इतिहास संक्षिप्त रहा, लेकिन हमारा प्रयास ये है, और हमने राज्यपाल को भी लिखा है, मुख्यमंत्री को भी लिखा है, पिछले साल भी लिखा था, फिर लिखा है कि ये प्रदेश, पूरे प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए, हर जनपद में मनाया जाना चाहिए, शिक्षण संस्थाओं में, कार्यालयों में, सब जगह इसकी धूम हो जानी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश के प्रति और उसकी एकता अखंडता के प्रति लोगों में भावना पैदा हो, प्रेम पैदा हो, उसको बढ़ावा मिले।